तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। टाटा ग्रुप की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और आप इसका चार्ट तो देख ही रहे हैं कि इससे बेहतर चार्ट आपको पूरे स्टॉक मार्केट में कोई नहीं मिलने वाला है। आप चाहे ढूंढ के देख लीजिए, इसका स्टॉक लगातार ही ऊपर ग्रो करता चला जा रहा है और अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को भी देखिए तो जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बनती नजर आ रही है, एकदम 90 डिग्री की तेजी यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों इसके चार्ट की चर्चा तो हम क्या ही करें, अपने आप में ही एक अद्भुत चार्ट है। बाकी हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड, 8,042 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने आज 8% के आसपास की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 2,85,883 करोड़ का है। स्टॉक पी 228 का है, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की मेरी तरफ से कोई भी राय नहीं है, अगर आपको करना है तो आप खुद से कर लिए। लेकिन हाँ एक बार बता दूं, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है तो थोड़ा संभल कर। बाकी इसका जो ROCE है एंड ROE है वो काफी बढ़िया है। तो पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1945 का लो रहा और 8076 का कंपनी ने हाई लगाया है। बहुत ही अद्भुत तेजी यहाँ पर देखी गई है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो जो ट्रेंट है इसकी जो दो सब्सिडरीज हैं जुडियो एंड वेस्ट लाइफ, उनके थ्रू ये अपैरल, फुटवेयर, एक्सेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी, इन सब में इनकी काफी बेहतरीन सेल्स आ रही है और ये मार्केट लगातार इनका मार्केट कैप बढ़ता चला जा रहा है। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट है, आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा कि क्या बेहतरीन इसमें तेजी नजर आ रही है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेब्ट कम किया है और ये लगातार ही बहुत ही अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट भी देते जा रही है। पिछले 5 सालों में इसके CAGR की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ CAGR की, तो 56.5% की रेट से बढ़ रहा है। डिविडेंड भी कंपनी काफी अच्छा देती है, साथ ही कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी पिछले 10 सालों से 19% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 39 दिन से घटकर अब 28 दिन पर आ गया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 70 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करने लगा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, ब्रेन बीज सॉल्यूशंस, रेड टेप, वी मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, मेड प्लस हेल्थ जैसी कंपनियां हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जहां इसका सेल्स ग्रोथ जून 2021 में 492 करोड़ का था, जून 2022 में 1803 करोड़, जून 2023 में 2628 करोड़, वहीं पर जून 2024 में 4104 करोड़ का हो गया, यानी कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 10 गुना तक बढ़ चुका है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो जून 2021 में -139 करोड़ का लॉस हुआ करता था, जून 2022 में 115 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 167 करोड़ का प्रॉफिट और अभी 391 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखा गया है इसमें। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 2132 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1812 करोड़, मार्च 2021 में 2593 करोड़ और अभी करंट में कुल 13,851 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में -27 करोड़ का लॉस, 17 में 85 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में -181 करोड़ का लॉस और अभी हाल में कुल 1702 करोड़ का बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखा गया है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 51% की रेट से, पिछले 5 सालों में 74% की रेट से, पिछले 3 सालों में 94% की रेट से और पिछले 1 साल में 287% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 343 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 392 करोड़, मार्च 2021 में 300 करोड़ का और अभी करंट में कुल मार्च 2024 में 1753 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2209 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2222 करोड़ का, मार्च 2021 में 5724 करोड़ का, वहीं पर अभी मार्च 2024 में कुल 7162 करोड़ का एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो लोन है ये 1753 करोड़ का, ये थोड़ा मॉडरेट है। अब अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये ना बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 37% थी, वो जून 2021 में भी 37% के आसपास ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी स्टेक में फेरबदल नहीं करी है। FIIs की होल्डिंग 30.13% से घटकर 27.87% रह गई है, TIIs की होल्डिंग 11.15% से बढ़कर 13.18% एंड पब्लिक की होल्डिंग 21.71% से 21.95% तक हो चुकी है। तो देखा जाए तो उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफी बेहतरीन है क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों अगर हम ट्रेंड की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेलर्स की होल्डिंग जो है वो भी गुड टाइम टू बाई है, अदर इनकम अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रॉफिट पर रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है और कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, सेल्स ग्रोथ भी इनका काफी तेजी से बढ़ रहा है, शेयर प्राइस भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, डेप्ट इनका जो है वो ठीक ठाक है, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बैलेंस शीट जो है उसमें भी काफी ज्यादा मजबूती नजर आ रही है। तो देखा जाए तो ऐसा इसमें कुछ खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है, रिटेल सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स 100%, लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो 100% इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं और इनके ब्रांड की अगर हम चर्चा करें तो उसमें आपका वेस्ट साइड हो गया 50%, जुडियो 49
9.2% एंड 0.6% अदर्स। तो देखा जाए तो 50-50 का गेम है, 50% जूडियो एंड 50% वेस्ट साइड। और दोस्तों अगर हम इसके रियल पीयर कंपैरिजन ग्रुप की बात करें तो इसमें ट्रेंट है ही, साथ में आपका अवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट हो गया, एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नाइका हो गया, आदित्य बिरला फैशन यानी कि एबीएफआरएल, मेट्रो ब्रांड्स, बाटा इंडिया, वी मार्ट, शॉपर्स स्टॉप जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके रियल पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं यानी कि इसके रियल कंपटीटर्स हैं। तो हम वापस दोस्तों इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी थी, चार्ट इसका बहुत ही बेहतरीन है, मुझे काफी पसंद आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी क्लियर एंट्री अभी नजर नहीं आ रही है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो बेशक आपको होल्ड करना चाहिए, आपको यहाँ बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत ही जल्द 10,000 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम बनता नजर आ रहा है ये स्टॉक अभी रुकने वाला तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई भी एंट्री की भी गुंजाइश नहीं है, तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप होल्ड करिए, नहीं है और आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे ही बाई करिएगा। मेरी तरफ से बाई करने का कोई भी सलाह नहीं है क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी है। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये स्टॉक आपको कैसा लगा।